लग रहा है शर्मिला, अब तक तो सारी तैयारियां हो जानी चाहिए थी ना। बब्बी जी, कोई टिच्चा मुच्चा कम तो है नहीं ना, एक एक शय नु चंगी तरह से सजाना पड़ेगा ना। तुहाडे समझाने विच किसी ने कोई नुक्स निकाल दिता कि तुहाडी इज्जत दा तो फुल स्यापा हो जाना है कि नहीं। उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उनकी हैसियत से तो ज्यादा ही होगा। हमें बस ये बात ध्यान में रखनी है कि सब कुछ रीति रिवाज के मुताबिक हो। हाँ जी। चंचल, तुम ये सब खुद देखना, और पांच चीजें होना बहुत जरूरी है, फल फूल मिठाई कपड़े और गहने, इसके बिना हमारी यहाँ की रस्म नहीं पूरी होगी। जी माँ। चलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये क्या कर रहे हो वीरेश, यहाँ मैं क्या करूँगा? भाई तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही है और ये सब तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं। जरा देखते लो, कहीं दादी माँ और माँ तुम्हारी बीवी को कार्टून ना बना दे। वैसे भी मुझे इन रस्मों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। दादी माँ और चाची ने अगर तैयारियां की हैं तो अच्छी ही होंगी। हाय मेरे भोले भाई, लेकिन कुछ पर्सनल टच भी तो होना चाहिए। भाई मेरी शादी होती तो अपनी पसंद का कुछ ना कुछ तो जरूर भेजता। वैसे ख्याल बुरा नहीं है, क्यों ना तुम अपनी उनके लिए कुछ भेज दो। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम कर लेना, इसे बड़े ही निभाए तो अच्छा। लाओ जी, हो गई सारी तैयारियां शियारियां, हुन तुसी शगुन ले जा सकते हो। जा तो रहे हैं, मगर कहीं नीचे वालों से पाला पड़ गया ना तो शुभ काम में भी ग्रहण लग सकता है। चलिए माँ। अरे ये काम आपके नाजुक हाथों का नहीं है। मैं किस दिन काम आऊंगा? मुस्कुराओ। वीरेन, तुम हर बार नौकरों का काम करने क्यों पहुंच जाते हो? तुम्हारे हाथ की चोट अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। ये सब छोड़ दो, शाम कर लेगा। शाम, ये ले लो। ये लो, लेकिन ध्यान रखना मैडम को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी। आइए, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। ऊपर आप ही का इंतजार हो रहा है। ये सारा सामान ऊपर ले जाओ। तुम ऊपर नहीं आ रही हो नैनतारा, तुम्हारी पोती के लिए अपने पोते का शगुन लेकर आई हूं। आज तो स्वागत करना बनता है तुम्हारा। मेरा स्वागत यहीं से स्वीकार कर लो यशोदरा, अब उम्र हो चली है ना मेरी। पहले तो कभी कभी चली भी जाती थी, पर अब वो हिम्मत नहीं रही। पर मेरा आशीर्वाद सदा दिव्या के साथ है और सिद्धार्थ के साथ भी। माता रानी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। चलो,
दादी। जीते रहो बेटा, शगुन मुबारक हो, सदा सुखी रहो। दादी माँ, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ना। आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है मुझे। वीरेन, इन सारे कामों के लिए सारा दिन नहीं है हमारे पास। जिस शुभ काम के लिए आए हैं उस काम के लिए देर हो रही है। चलो, और सिद्धार्थ तुम भी। क्या पागल बने? वो लोग तेरा शगुन लेके रुके हुए हैं, वो तो उठ के चली आई है। ससुराल ये है तेरे, निरादर होगा उनका। और अपने लोगों का निरादर उसका क्या मां? दादी निवि यश, उनके बिना मेरा शगुन कैसे हो सकता है? मैं जा रही हूँ, घर जाने की जरूरत नहीं है। कब कहाँ क्या करना है इस बात में समझ भी है तुझे? मेरी बेटी का शगुन है, नीचे वालों के बिना हो सकता है? नहीं मां। चुप, बिल्कुल चुप। बहुत जिद कर ली है तूने और मैंने बहुत सह लिया है। तू नीचे जाती रही, उन लोगों से बात करती रही, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। तू समझती क्यों नहीं है बेटा, चाहती क्या है? यही चाहती है कि मैं तेरे सामने आऊं। नहीं मां, चल चल मेरे साथ। मां आप ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कल वो तेरा परिवार बनने वाला है। तो सोच, अम्मा जी और निवी को यहाँ देख के उन लोगों के मन पे क्या बीतेगी। देख बेटा, तू ना भी सोच ले कि अपनी दादी और अपने भाई बहन के साथ ना यहीं तक का रिश्ता था तेरा। चाचा जी, काफी देर हो गई है, मैं देख के आता हूँ। अरे बेटा तुम बैठो, अभी आ जाएंगे वो। ये खाओ ना। पाई जी। लो बेटा, आप भी लो। तेरी जिंदगी सुद्धों के साथ है और उनकी खुशी के आगे आप तुझे कुछ नहीं सोचना है, समझ रही है तू? क्या हुआ, शॉल नहीं मिल रही थी क्या? क्या सोच रही है? नहीं दादी, कुछ नहीं। दी जब इस घर से विदा हो जाएगी तो उस परिवार की हो जाएगी ना, हम सबसे बहुत दूर हो जाएगी ना वो। ये मोड़ तो हर लड़की की जिंदगी में आता है बेटा, जब नए लोग, नया घर, उसे अपनाना पड़ता है और मायका पीछे रह जाता है। हाँ दादी, मगर वो दोनों की बहू बनने जा रही, फिर हम सबसे रिश्ता कैसे रख पाएगी? क्या बात है बेटा, बाहर कुछ हुआ है क्या? बोल बेटा। चाची दी से कह रही थी कि अब सूद उसके अपने, उनकी खुशी देखनी है उसे। आपके यश या मेरे बारे में सोचना भी नहीं। ऊपर शगुन हो रहा है दादी,
और हम सब यहाँ। अब ऐसे ही होगा ना दादी? तो तुम्हें इस बात का बुरा क्यों लग रहा है दी? जो हो रहा है ठीक ही तो हो रहा। मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि उन लोगों ने हमें शगुन पर नहीं बुलाया। तब तो इस बात का है, इतना कुछ क्यों हो गया हमारे बीच कि आज ये नौबत आ गई है कि हम एक दूसरे से इतने दूर हो गए। प्यार के रिश्ते तो पहले ही टूट गए थे, अब उनके रिश्ते भी टूट गए। कोई बात नहीं दी, बस ये सोच लो कि अब हमारी दुनिया उनकी दुनिया से अलग हो गई है। उनकी खुशी वहां है और हमारी खुशी यहाँ है। और सबसे अच्छी बात, दिव्या दी बहुत खुश होंगी क्योंकि उन्हें सिद्धार्थ भैया पति के रूप में जो मिल रहे हैं। दादी, सुना आपने ये क्या कह रहा है? क्या हुआ? मैं इतनी मगन हो गई अपने में कि मुझे पता ही नहीं चला कि इतना बड़ा कब हो गया। अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। निवी, ये तो हमारा ख्याल रख सकता है। घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।